मॉर्निंग स्टूडेंट, इससे पहले आपका दो क्लास हो चुका है, आज ये आपका तीसरा यानी पार्ट थर्ड है। इससे पहले फर्स्ट क्लास जो था वो इंट्रोडक्शन क्लास था, और ये उसके बाद सेकेंड क्लास में आपको भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बताए थे कि भारत की स्थिति क्या है और उसका विस्तार क्या है। स्थिति मतलब कि कौन से अक्षांश पर वो स्थित है, उसका देशांतर रेखा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अक्षांश रेखा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितने डिग्री पर जो है वो स्थित है, ये सब चीज़ के बारे में बताए थे। और विस्तार के बारे में बताए थे कि भारत एक विशाल रूप में जो है कि विस्तृत है, तीन ओर जो है कि वो महासागरों से घिरा हुआ है, एक ओर जो है कि विश्व के सबसे बड़ा आपका जो चोटी है, शिखर है, हिमालय पर्वत, उससे वो घिरा हुआ है, और ऊपर से जो है कि वो कम फैला हुआ है। जब बीच में आता है तो वो पूरब और पश्चिम दिशा में काफ़ी फैलता है, और फिर नीचे जो है कि दक्षिण की ओर जैसे जैसे आता है वो सिकुड़ता जाता है, यानी भी आकार के बन जाता है। ये इसके विस्तार के बारे में आपको बताए थे। एक प्रश्न भी दिए थे जिसका आंसर अब तक मुझे नहीं मिला है, उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट डे आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर बना करके आप मेरे व्हाट्सएप जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप सेंड कीजिएगा। और वो प्रश्न था कि भारत की भौगोलिक दृष्टि से उसकी स्थिति और विस्तार पर प्रकाश डालें, ये आपको प्रश्न दिए थे। उसमें से आधा प्रश्न का आंसर आपको लिखा चुके थे, स्थिति के बारे में लिखा चुके थे, बोर्ड पर आपका लिखा हुआ था। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के या उससे जो है कि आप स्टॉप बाय स्टॉप कर करके आप लिख सकते हैं। और दूसरा जो पार्ट था आपका विस्तार के बारे में, उसको बताए थे कि आपके बुक में है, आप उसको स्टडी कीजिएगा और फिर वहाँ से लिखने का कोशिश कीजिएगा, जो होमवर्क के रूप में था। वो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था। आज जो है कि हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक है भारत और विश्व। भारत और विश्व, भारत विश्व स्तर पर किस प्रकार से लाभान्वित है, किस प्रकार से जो है कि वो लाभप्रद है। कहा जाता है कि भारत जो स्थित है वो विश्व के अधिकतर सागर और महासागर का जो मार्ग है उस स्थान पर वो स्थित है। आप जानते हैं कि जाहिर सी बात है कि जब वो सागर और महासागर, विश्व के सागर और महासागर के मार्ग पर जब वो स्थित रहेगा तो उससे उसको लाभ क्या होगा। लाभ ये होगा कि वो जल मार्ग से अन्य देशों से व्यापार कर सकता है, जैसे दक्षिण अफ्रीका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, ये सब सारे देशों से जो है कि वो व्यापार कर सकता है। तो यही कारण है कि भारत विश्व के सागर और महासागर के मार्गों पर स्थित है, जिसके कारण वहाँ से उसको व्यापारिक लाभ होता है। इस पर एक प्रश्न है आपका कि भारत की स्थिति और विस्तार पर प्रकाश डालें। दूसरा जो है कि क्वेश्चन है कि भारत भौगोलिक दृष्टि से व्यापार के रूप में किस प्रकार लाभप्रद है। आपके प्रश्न जो है कि लास्ट लेसन में दिया हुआ है कि व्यापारिक दृष्टि से भारत किस प्रकार लाभान्वित है या लाभ है, उस पर जो है कि आप वर्णन करें। प्रश्न का जो है कि आप आंसर लिख लीजिएगा। दूसरा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। सबसे पहले जानेंगे पड़ोसी देश कहते किसे हैं। हर किसी का पड़ोसी होता है, आपके घर के आसपास जिनका घर होगा, जिसका घर आपके घर से सटा हुआ होगा वो आपका पड़ोसी कहलाता है। उसी प्रकार से जिन देशों के चारों तरफ अन्य देश बसे हुए रहते हैं, सटे हुए रहते हैं, वो देश निकटतम पड़ोसी देश कहलाता है। पड़ोसी देश दो तरह से हो सकता है आपका, स्थल मार्ग वाला पड़ोसी देश और जल मार्ग वाला पड़ोसी देश। जैसे मैं भारत के उत्तर में नेपाल और चीन है जो कि स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है, वहीं पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वो भी पड़ोसी देश है। पूर्व में बांग्लादेश है, वो भी पड़ोसी देश है।
लेकिन दक्षिण में श्रीलंका है, वो भी पड़ोसी देश है, लेकिन वो एक जलमार्ग से जुड़ा हुआ पड़ोसी देश माना जाता है, एक द्वीप वाला जो है कि पड़ोसी देश माना जाता है। तो स्थल मार्ग के द्वारा भी पड़ोसी देश हो सकता है, द्वीपों के समूहों के द्वारा भी हो सकता है, और जलमार्ग के द्वारा भी हो सकता है। इस प्रकार से जो है एक देश के जो बाउंड्री लाइन से जुड़े हुए जो अन्य देश होते हैं वो उनका पड़ोसी देश कहलाता है। ये भारत का पड़ोसी देश हो गया। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि जो है कि आपके देश पड़ोसी देश माना जाता है। अब होता है कि पड़ोसी देश और अपने देश दोनों को बांटने वाला एक रेखा भी होता है, वो रेखा वो देशों को बांटने वाला रेखा कहलाता है, देशों के एक बाउंड्री लाइन कहलाता है, और उसका कुछ न कुछ नाम होता है। जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का जो लाइन है, जो बांटने वाला लाइन है, उस लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। उसी तरह से आपका जो है कि चीन और भारत के बीच में जो रेखा है, जो लाइन है, जो दोनों देश को बांटने वाला लाइन कहलाता है, वो मैकमोहन रेखा कहलाता है। ये दो रेखा के बारे में जो है कि हम लोग जानेंगे, मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा। और आगे जो है कि अगला टॉपिक है आपका सार्क संगठन। सार्क संगठन कहते किसे हैं? कहा जाता है कि सार्क संगठन वैसे संगठन को कहते हैं जो भारत के अतिरिक्त 6 अन्य देशों को आपस में मिलाकर के एक संगठन बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है एक दूसरे देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाना, एक देश दूसरे देशों के बीच में व्यापारिक जो है कि दोस्ती कायम करना, आदान प्रदान करना, आयात निर्यात करना, और दूसरे को आर्थिक दृष्टि से लाभ पहुंचाने का एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो सर्वप्रथम 8 दिसंबर 1985 को भारत और उनके 6 अन्य पड़ोसी देश आपस में मिल करके आर्थिक दृष्टि और व्यापारिक दृष्टि एक दूसरे को सहायता पहुंचाने के लिए एक संगठन बनाया। उस संगठन को ही हम लोग सार्क संगठन कहते हैं। सार्क SAARC ये शॉर्ट में जो है कि लिखा जाता है, लेकिन उसका पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। कॉपरेशन मतलब होता है सहायता करना। एक संगठन बनाया है ये लोग, और उसका एक मुख्य उद्देश्य रखा है कि हम सब आपस में मिलकर के एक दूसरे को आर्थिक सहायता पहुंचाएंगे, आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे, और दोनों हम लोग आपस में मिल करके जो है कि व्यापारिक संबंध बनाए रखेंगे। ये सार्क संगठन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो आपका जो पहला प्रश्न था वो प्रश्न आपको दिए थे कि भारत की स्थिति और विस्तार पर प्रकाश डालें, और आपका अगला क्वेश्चन है सार्क संगठन से आप क्या समझते हैं। एक और भी क्वेश्चन है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का स्थिति व्यापार के रूप में लाभप्रद माना जाता है क्यों, जो कि आपके लेसन के लास्ट में दिया हुआ है। ये तीनों प्रश्न का आप आंसर लिख करके आप व्हाट्सएप पर जो है कि सेंड कीजिए, फिर उसको हम चेक करेंगे, उसमें से जो गलतियां होगी, जो त्रुटि पाया जाएगा, फिर हम व्हाट्सएप के द्वारा ये गाइडलाइन देंगे कि कहाँ पर आपके आंसर में एरर है, वो एरर को जो है कि फिर आप सही करके के फिर दोबारा आप उसे लिखने का कोशिश कीजिएगा। शुक्रिया।